गुड मॉर्निंग बच्चों, निकाल जी 7th क्लास की हिंदी की बुक। थर्ड लेसन चल रहा था, एक राजस्थानी लोक कथा। कौन था उसमें? सेठ और चौधरी। सेठ और चौधरी के बीच में क्या हुआ था? अनबन हुई थी। किस बात को लेकर? गाड़ी को लेकर। उसने चौधरी ने अपनी पगड़ी भी रख दी थी कि अपनी गाड़ी को लेने के लिए, लेकिन सेठ नहीं माना। तो उसका छोटा बेटा जाता है और क्या कहता है कि ये, फिर वो सेठ वापस आता है उस नगर में और गाड़ी के लिए कहता है कि गाड़ी कितने की है। तो उसने कहा मुट्ठी भर की, दो मुट्ठी की है। तो इस प्रकार से इतनी बातें कर लेता है और वो उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। आगे देखिए इसमें क्या होता है। चल रहे थे अपन 19 पेज नंबर पे, ऊपर से 1, 2, 3, 4 वाला पैराग्राफ देखिए। हवेली पहुंचते ही सेठ ने कहा, बोहनी के भगत पहले दाम पल्ले बांध लें, फिर गाड़ी खोलना। हवेली पहुंचते ही सेठ ने क्या कहा? क्योंकि कल झगड़ा हुआ था, उसको पता था। वो कह रहा है हवेली पहुंचते ही सेठ ने कहा कि हवेली पहुंचते ही क्या करना, बोहनी के भगत पहले दाम पल्ले में बांध लेना, मैं तुझे जो दूं उसको अपने पल्ले में बांध लेना और फिर गाड़ी खोल देना। इतना कहकर सेठ हवेली के भीतर गया और दोनों मुट्ठियों में एक एक टक्का बंद करके चौधरी के बेटे के पास आकर बोला, ले अपने दाम। अब उसने कहा था कि दो मुट्ठी की है गाड़ी, अब दो मुट्ठी में तो अपन चाहे कितना भी ले सकते हैं। तो उसने क्या किया, अंदर जाकर दोनों मुट्ठियों में एक एक सिक्का ले आया और आकर चौधरी के बेटे को कहता है लेते हुए गाड़ी का मोल। सेठ टक्के देने के लिए मुट्ठियां खोल ही रहा था कि गाड़ी वाले ने झट उसका हाथ पकड़ लिया और फिर अपनी कमर में खूंसा पेन हसिया निकालकर बोला। खूंसा पेन हसिया जो आप वो करते हो ना, उसमें खेतों में काम में लेते हो, उसके लिए बताया गया है खूंसा पेन हसिया निकालकर बोला, सेठ जी मुट्ठियां मत खोलो। अब वो क्या कह रहा है देखो, सेठ जी मुट्ठियां मत खोलो, ये तो अब साथ ही जाएंगे, ये तो अब साथ ही जाएंगे, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। देखो अब वो क्या करता है, बदला लेता है अपने पिताजी का कि मेरे पिताजी की पगड़ी भी तूने पाँव में रखवा ली और गाड़ी भी नहीं दी। तो वो क्या करता है, दो मुट्ठी मांगता है, दो मुट्ठी लेकर आता है। जैसे वो खोलने लगता है तब क्या खोलना, हाथों से बंद करवा लेता है कि इन मुट्ठी को मत खोलो। तो उसने कहा कि ये भी क्या होंगे, दो मुट्ठी आए तो दोनों मुट्ठियाँ भी तो साथ में जाएगी भाई, दोनों हाथ है तो वो भी तो साथ में जाएंगे। बोला है कि दो मुट्ठियाँ, दोनों मुट्ठियों में अब कुछ भी आ सकता है, हाथ भी आ सकता है। ये पूरी मुट्ठी यहाँ से काटने के लिए उसने कह दिया कि अब तो ये मुट्ठी भी साथ में जाएगी। अब उसने मन में सोचा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सेठ हैरान होकर गुस्से से बोला, ये क्या बकरा है। सेठ हैरान होकर गुस्से से बोला, ये क्या बकरा है। चौधरी का लड़का बोला, बक नहीं रहा हूँ सेठ, जो सौदा ठहरा है वही बता रहा हूँ कि जो बात कह दी जाती है वही तो करना होता है। तुम्हारे शहर में जब लकड़ियों के साथ गाड़ी बैल बिकते हैं तो टक्कों के साथ मुट्ठी भी तो जाएगी। यदि शहर में जब लकड़ियों के साथ गाड़ी बैल भी बिकते हैं तो मुट्ठी भी तो जाएगी। भाई आपने कहा कि आपकी जो ये गाड़ी के अंदर जो सामान पड़ा है वो तो जाएगा ही, उसके साथ गाड़ी और बैल भी जाएंगे। तो उसी प्रकार जैसे मैंने दो मुट्ठी के लिए कहा तो दो मुट्ठी के अंदर तो तुम्हारी दोनों मुट्ठियां भी जाएगी टक्के के साथ में। इतना कहकर उसने सेठ की कलाई पर हंसी का हल्का सा रगड़ा दिया, मतलब थोड़ा सा उसको काटने की कोशिश की। सेठ जोर से चिल्लाया, छोड़ दो चौधरी, दया कर मुझ पर, मुझसे गलती नहीं पाप हो गया है। अब देखियो क्या कह रहा है कि चौधरी मुझे छोड़ दे, मुझसे गलती नहीं पाप हो गया है, कल के गाड़ी बैल भी वापस ले जा, गाड़ी बैल का भला मैं क्या करूँगा, मैंने तो मजाक किया था। अब देखो ये क्या कह रहा है कि मैं तो उनका क्या करूँगा, मैं तो मजाक कर रहा था।
चौधरी ने गुस्से से उसकी कलाई मोड़ते हुए कहा, मेरा पिता भी कल गिड़गिड़ाया, पाँव में पगड़ी रखी, पर तुम नहीं पसीजे। अब जबान पलटते हो, जबान से तो लाखों का लेन देन होता है। दो मुट्ठी टक्के की बात पक्की हुई थी कि नहीं, बोलो। अब वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसके पिताजी ने भी कहा था, पगड़ी भी रख दी थी, कितनी अनबन भी हुई थी, कितनी बातें कही थी, लेकिन सेठ तस से मस न हुआ। वह सारी गाड़ी और लकड़ियां भी अपने पास में रख लिया था। तब वह कह रहा है कि अब तू अपनी जबान से क्यों पलट रहा है, जब उस समय उस मेरे पिताजी ने कहा था, तब तो तुमने क्या कहा कि यह तो बोल जैसे बोल दिए जाते हैं वैसा ही कार्य करना पड़ता है। पल भर में सेठ को सारा नफा नुकसान समझ में आ गया, नफा नुकसान यानी लाभ और हानि समझ में आ गई। हकलाते हुए बोला, जबान तो की थी पर टक्कों के साथ मुट्ठियां कटने का मुझे ध्यान नहीं रहा। अब उस दिन तो क्या कह दिया था, मुझे गाड़ी का मोल से बता दीजिए कितना है, और पिताजी ने कहा था 5 आने, तो वो तो क्या बता रहे थे, ओनली लकड़ियों का दाम बता रहे थे। तो वहाँ के उसके साथ उसने गाड़ी भी ली, कहा कि मैंने तो कहा था गाड़ी के लिए। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि मैंने तो टक्कों के लिए कहा था, मैंने अपने हाथ का ध्यान नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है, जो भी आप शब्द बोलते हो, जो भी आप बातें बोलते हो, एक एक शब्द सोच समझ के बोलना चाहिए। अब जो तू कहे करने को तैयार हूं, बस तू मेरा हाथ छोड़ दे, तेरे हाथ जोड़ता हूं मैं। बेटा उसकी नकल उतारते हुए बोला, ध्यान नहीं रहा तुम्हें, क्या ध्यान रहेगा, बूढ़े आदमी से गाड़ी बेल छीनते वक्त पूरा ध्यान था। ये बोलते बोलते उसने हसीये का एक रगड़ा और दिया, पहले तो थोड़ा सा लगाया, फिर उसके एक और उसके रगड़ा लगाया। सेठ बलि के बकरे की तरह कांपते हुए बोला, गाड़ी के साथ दंड के 500 रुपए भी दूंगा, मेरे हाथ को छोड़ दे। मैं गाड़ी के साथ तुझे 500 रुपए भी दूंगा, मेरा हाथ छोड़ दे। उसे ऐसे कांपते हुए देखकर चौधरी के बेटे को हंसी आ गई। वह सेठ का उपहास करते हुए बोला, मतलब मजाक करते हुए बोला, उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, इसी हिम्मत के जोर पर बेचारे भोले भाले लोगों को ठगते हो, चलो मेरे पाँव में पगड़ी रखो और 7 बार अपनी नाक को रगड़ो। अब वो देखो चौधरी का बेटा क्या कहता है कि अब पाँव में मेरे पाँव में तेरी पगड़ी रख और 7 बार नाक को रगड़ दे। सेठ ने मन ही मन सोचा, सर सलामत रहना चाहिए, पगड़ी पाँव में रखने से क्या बिगड़ता है, कि पगड़ी को पाँव में रखने से क्या बिगड़ता है, अपना सर तो रहना चाहिए। नाक रगड़ने में कोई घिस थोड़ी जाएगी, नाक को घिसने में क्या जाएगा। तुरंत अपनी पगड़ी पाँव में रख दी, फिर गिनकर 7 बार जमीन पर नाक भी रगड़ दी। चौधरी का बेटा तुनक कर बोला, अब चुपचाप 500 रुपए लाओ और हमारी गाड़ी बेल भी वापस करो, ज्यादा चूं चपड़ की तो हंसने से आते निकालूंगा। सेठ तो उसके बाद ऐसा चुप हुआ मानो मुंह में दही जमा हुआ हो। वैसा ही किया जैसा चौधरी के बेटे ने कहा था। चौधरी का समझदार बेटा दोनों बैलगाड़ियों के साथ खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। कितनी अच्छी कहानी बताई है, कहने का इसमें 2-3 बातें ऐसी बताई है कि आपको भी सीखने की जरूरत है। इसमें कहा एक तो शब्द के बारे में, कोई भी आप शब्द बोलते हो, कोई भी आप बात करते हो, तो हर बात आपको सोच समझ कर कहनी चाहिए, हर बात में कोई ना कोई अर्थ निकलता है।